इमाम का इंतजार नहीं करो, इमाम की अपनी जरूरत है, आपकी अपनी जरूरत है। आप अपनी जरूरत के तहत दुआ मांगो। फिर दूसरी बड़ी बात, आज हम ये तो कहते हैं खतीब साहब जब मिंबर पे खड़ा होता है तो लोग पर्चियां दे जाते हैं, मेरी नानी बीमार है, मेरा कल इंटरव्यू है, मेरे कल एग्जाम शुरू हो रहे हैं, खतीब साहब जरा दुआ करा दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता खतीबों से दुआ ना कराओ, कराओ, लेकिन पूरे हदीस के जखीरे में एक रिवायत भी ऐसी नहीं मिलती कि इमाम मस्जिद की या खतीब मस्जिद की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, एक रिवायत भी नहीं है। लेकिन ये रिवायतें मौजूद हैं कि दावतुल वालिद लि वलदही, वालिद की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता। तो आप मौलवी को तो पर्ची देते हो, घर में कभी बाप से भी कहा जिसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता? कभी उससे भी कहा? और मां बाप को तो कहने की जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं, पर्ची भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मां बाप से बना के रखें, सारी जिंदगी दुआएं मिलेंगी। सिर्फ बना के रखें, सारी जिंदगी दुआएं मिलेंगी। और फिर आसान तरीका, ये जो बूढ़े मां बाप होते हैं ना, आपके घर में ये दुआओं की दो फैक्ट्रियां हैं, दो फैक्ट्रियां दुआओं की, जैसे आप कपड़े की फैक्ट्री, साबुन की फैक्ट्री, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां लगाते हो ना, ये बूढ़े मां बाप वल्लाह ये घर में दुआओं की दो फैक्ट्रियां हैं। इमाम इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह की वालदा फौत हुई, धाड़े मार मार के रोने लगे। किसी ने कहा इमाम साहब आप इतने बड़े आलिम हो, बुजुर्ग हो, आप हमें सब्र की तलकीन करते हो, खुद धाड़े मार मार के रो रहे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी अम्मा फौत हुई है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जन्नत में जाने के दो दरवाजे खोले थे, मां की शक्ल में और बाप की शक्ल में, उसमें से आज एक दरवाजा बंद हो गया है। ये जिस दिन इनकी आंखें बंद होती हैं ना, पीछे आपको दुआएं देने वाला कोई नहीं होता, सब हसद करते हैं, आपकी तरक्की से लोग जेलस होते हैं। मां बाप वाहिद हस्ती हैं जो आपकी तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं, फखर से दूसरे को बताते हैं ये मेरे बेटे की फैक्ट्री है, ये मेरे बेटे का बंगला है, खुश होकर बताते हैं।